जमाल, जो दौलत चली गई उसका गम ना कर, जो दौलत बची है उसकी फिक्र कर, और खुदा का शुक्र अदा कर कि अब भी तेरे पास सोने चांदी हीरे मोती से लदा हुआ एक ऊंट तो मौजूद है। इसलिए गम ना कर, चल मेरे साथ। यही तो गम है कि मेरे पास तो सिर्फ एक ऊंट है और तुम्हारे पास तो तीन तीन ऊंट है, तीन तीन। ऐ लालची इंसान, अब मेरे दिल को और ना दुखा, ऐसा ना कर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दे दो एक ऊंट और। ऊंट लेने के लिए और भी बहुत से तरीके आते हैं मुझे, हाँ। बोलो जमाल, जमाल। क्यों, ले लूं? अब मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, मैं अकेले ही सफर तय करूंगा। ये हुई ना बात। जा जा, ले जा ले जा, चल चल। ऐ मेरे सहराई दरवेश, देखते जाओ अब इस जमाल का कमाल। एक एक करके तुमसे बाकी के दोनों ऊंट भी नहीं ले लिए तो मेरा नाम भी जमाल नहीं। जाओ मेरे वफादार साथियों, तुम लोग भी अब इस रात के वक्त आराम करो और मैं भी जाता हूं सोने। डाकू क्या पोश? लेकिन तुम तो बहुत बहादुर और बहुत अमीर आदमी हो भाई, मुझ गरीब के पास क्या लेने आए हो? तुम्हारी जान और माल दोनों। जान माल दोनों? नहीं नहीं, मैं एक ही चीज दूंगा, ये माल ले लो माल। जमाल बिन आमिर, कौन हो तुम? तुम्हारा यार यार कामरान। कामरान, मेरे दोस्त, मेरे यार, तुम यार? जमाल मेरे यार, मेरे अजीज दोस्त, मेरे हम प्याला, हम निवाला। तू बता, तू इस सहरा में क्या कर रहा है? ये बड़ी लंबी कहानी है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। खैर मेरे तो छोड़ो, तुम सुनाओ, तुम कैसे डाकू बने? बस बुरे काम का बुरा अंजाम, जुआ शराब और अय्याशी में अपने घर की दौलत इज्जत सब कुछ गवा देने के बाद मैं कर्ज ले लेकर जुआ खेलता रहा और अपने शौक पूरे करता रहा। एक दिन शराब के नशे में मेरे हाथों मेरे दो दोस्तों का कत्ल हो गया। शाही सिपाही मुझे फांसी पर लटकाने के लिए मेरी तलाश में निकले, मैं फरार हो गया और डाकू बन गया। खैर चलो, अच्छा हुआ, खूब मुलाकात हुई। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दो पुराने यार गुनहगार। वैसे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाने के बाद चोरी करने में तुमने भी बड़ा नाम कमाया था। इन नोटों पर चोरी का ही माल लदा है ना? अरे नहीं यार, चोरी करना तो मैंने छोड़ दिया है। अब मैं सुधर गया हूँ, अब मैं सौदागर बन गया हूँ, एक शहर का माल दूसरे शहर में पहुंचाता हूँ। हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा करा सकता हूँ। मैं तुम्हें इतना माल दिला सकता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हें डाका डालने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। ऐसी क्या बात है, जल्दी बता।
उस रेगिस्तानी मुल्क की तरफ जो रास्ता जा रहा है ना, उस रास्ते पर एक सहराई दरवेश नाम का मुसाफिर जा रहा है। उसके पास दो ऊंट है, दो ऊंट। उन दोनों ऊंटों पर खजाना सुलेमानी लगा हुआ है। उन ऊंटों पर हीरे, जवाहरात, मोती, अशरफियां, सारी दौलत है। बस तुम जाकर उसे लूट लो, फिर सारी जिंदगी तुम्हें डाका डालने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। आराम से ऐश करोगे, ऐश। वाह मेरे दोस्त, क्या रास्ता दिखाया है। मैं अभी जाता हूँ। हाँ, उस हाँ, उस रास्ते पर, वो सीधा वाला रास्ता। हाँ, कैसे जानते हो? एक डाकू की कामयाबी का राज यह है कि वो डाका डालने से पहले अपने मुखबिर से तमाम मालूमात हासिल कर लेता है। मैं डाकू सिया पोश हूँ, जो कुछ तेरे पास है वो सब मेरे हवाले कर दे। दरवेश से कुछ मांगा नहीं करते, उसे दिया जाता है। फकीर को तो माफ कर देना चाहिए डाकू सिया पोश। फकीर हो या अमीर, मेरी तलवार सिर्फ दौलत पहचानती है और कत्ल कर डालती है। पर ये गठरी। हाँ, मेरी किस्मत खुल गई। मेरे दोस्त ने ठीक कहा था, इसमें तो खजाना सुलेमानी है। राजन, कज़ाक, लुटेरे, जालिम, ये जुल्म ना कर, ये अमानत है। मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि इसमें से कुछ हीरे मोती ले जा, जो तेरी सारी जिंदगी के लिए काफी होंगे। बाकी दौलत मेरे नेक काम के लिए छोड़ दे डाकू सियापोश। नहीं, छोड़ दे, इस नेकी का तुझे सवाब मिलेगा और खुदा खुश होगा डाकू सियापोश। खुदा खुश हो या नाराज, मैं परवाह नहीं करता। डाकू सियापोश, जो लोग परवाह नहीं करते उनका भयानक अंजाम दुनिया के लिए एक सबक बन जाता है। ऐ संदिल इंसान, खुदा से डर, लोगों पर जुल्म न कर, उनके दिलों को ना दुखा, उनकी बद दुआएं ना ले, वरना तू बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद करने वाले क्या बर्बाद होंगे? फकीर इंसान में जब गुरूर पैदा हो जाता है तो समझ लो कि खुदा उसे जल्द सजा देने वाला है। सजा, जजा और खुदा से डराने वाले नसी दरवेश, तू पत्थर से पानी निचोड़ने की कोशिश मत कर। मेरा दिल काला हो चुका है, मेरा जमीर मर चुका है, इसलिए अच्छी बातों का मुझ पर असर नहीं होता। उधर, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करता हूँ, सिर्फ बांध देता हूँ। चल। ए, डाकू सियापोश, खुदा से डर। ए राजन, ए दीनो ईमान, मुझ पर रहम कर, उन प्यासों पर रहम कर जो इस रेगिस्तान में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इस इंसानियत पर एहसान कर, ये दौलत अमानत है उन प्यासी माओ, बच्चों, बूढ़ों, पशु बच्चों और बूढ़ों की। एक जुल्म जमाल बिन आमिर ने किया था और दूसरा जुल्म तू कर रहा है डाकू सियापोश। जमाल बिन आमिर, उसने क्या जुल्म किया था? उसने मुझे मजबूर करके मेरे दो ऊंट मुझसे छीन लिए। क्या, उन दो ऊंटों पर खजाना सुलेमानी था? हाँ। उसी ने मुझे तुम्हारा पता दिया था। उस चालाक जमाल ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं अभी जाकर उससे वो दोनों ऊंट छीन लूंगा। मत जा, मत ले जा। याद रख, ये दौलत अल्लाह के बंदों की अमानत है। मत ले जा। याद रख, तू ये दौलत नहीं ले जा रहा है, अपनी मौत का सामान ले जा रहा है डाकू सियापोश। तूने मुझसे झूठ बोला, अपनी दौलत छुपाई। तेरे ऊंटों पर भी दौलत थी, तूने वो नहीं बताई। मैं तुझे अपना दोस्त समझता रहा और तू मुझे सिर्फ एक डाकू समझता रहा, मुझ पे भरोसा नहीं किया। किस डाकू पर भरोसा करता? उस डाकू पर जिसने मेरी तरह अपना घर बर्बाद किया। उस डाकू पर भरोसा करता जिसने अपने शहर में डाका डाला हो,
बोल, गुनहगार दो अक्टूबर क्या भरोसा करता है? मुझ पर भरोसा नहीं करके तूने मेरी बेइज्जती की है, मैं तुझे इसकी सजा दूंगा। आज पता चला कि डाकुओं की भी कोई इज्जत होती है, तू सजा का नाम लेकर मेरे सुलेमानी खजाने को छीनना चाहता है, मेरी ऊँटों को मुझसे छीनना चाहता है। नहीं, मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा, मैं तेरा कत्ल करूंगा। देख, अभी पता चल जाएगा कि कौन किसे कत्ल करता है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तू भी ऐसे ही सूख कर कंकाल हो जाएगा। डाकू स्यापोश से टक्कर मर कमबख्त। आज मैं दुनिया का सबसे अमीर तरीन डाकू बन गया हूं, मेरे पास खजाना ए सुलेमानी के चार ऊंट है, चार। जमाल को मैंने मार दिया और वहां सहराई दरवेश भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगा। ऐ मेरे मददगार रफीक, ऐ मेरे मददगार रहनुमा शाह जिन्नात, जाहिर हो, जाहिर हो, जल्द जाहिर हो शाह जिन्नात। सहराई दरवे, तूने मुझे क्यों याद किया? ऐ नेक नियत इंसान, मैं लुट गया हूं, मैं बर्बाद हो गया है मेरे मददगार शाह जिन्नात। खजाना सुलेमानी से भरे दो ऊंट मकार दगाबाज जमाल ने मुझे मजबूर करके मुझसे छीन लिए, और बाकी के दो ऊंट कहां है? वो जमाल के दोस्त डाकू स्यापोश ने मुझसे छीन लिए। इस तरह मैं लुट गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। ऐ मेरे मददगार शाही जिन्नात, खुदा के लिए मेरे चारों ऊंट मुझे वापस दिला दे। इस नेकी से खुदा खुश होगा खुदा परस्त शाही जिन्नात। तू फिक्र न कर, ऐ फरिश्ता सीरत इंसान, मैं तेरे चारों ऊंट अभी लाकर तुझे वापस दूंगा। रुक जा तालीम डाकू सियापोश, रुक जा, नहीं रुकूंगा। ऐ राहगीर जिन्न, मुझे जाने दे, मुझे तेरी क्या दुश्मनी है? मैं उस हर इंसान का दुश्मन हूं जो इंसान की शक्ल में शैतान होता है, जो इंसानियत शराफत और नेकी का दुश्मन होता है, मैं उन सब का दुश्मन हूं। तूने गरीब सहराई दरवेश की दौलत लूट ली, उसकी दौलत वापस कर दे। नहीं दूंगा। Oh!
बेपनाह ताकत के मालिक जिन, मुझे छोड़ दे, मेरी दौलत ले ले मगर मेरी जान न ले। मैं तेरी दौलत भी लूंगा और तेरी जान भी। नहीं नहीं ऐसा न करना, रहम कर, रहम कर शाही जन्नत, मुझ पर रहम कर। तूने रहम किया है मजलूमों पर, मजबूर इंसानों को। जब तू लूटता था, मारता था, तो तूने रहम किया? तूने सहराई दरवेश पर रहम किया, फिर मैं तुझ पे कैसे रहम कर सकता हूं? अभी मैं तुझे कैसे आग में जलाकर राख कर दूंगा। नहीं नहीं ऐसा न करना। दरवेश, तू अपनी अमानत ले। डाकू सियापोश ने अपने दोस्त जमाल को कहीं फेंक दिया और मैंने डाकू सियापोश को जलाकर राख कर दिया। देखिए चारों ऊंट जो इंसान नुमा शैतानों ने तुझसे छीन लिए थे, आखिर में तेरे पास ही आ गए और अब तू ही इनका असली हकदार है। ये संभाल। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने शैतानी पंजों से मेरी ये अमानत खजाना सुलेमानी को फिर मेरे कब्जे में कर दिया है। देखा दरवेश, दौलत कितना परेशान करती है। जब नहीं होती तो इंसान सिर्फ परेशान रहता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा दौलत जब आती है तो इंसान हर वक्त एक इम्तिहान में मुब्तिला रहता है। जिंदगी मौत के हाथों में खिलौना बनी रहती है। जान जाने का डर और खौफनाक मुसीबतों में इंसान की जिंदगी का चैन सुकून चला जाता है। वाकई वाकई तूने सच कहा है मेरे मोहतरम शाह जिन्नात। 21 साल तक दौलत हासिल करने के लिए वजीफा पढ़ के जो मैंने दिक्कतें और परेशानी उठाई थी वो कुछ भी नहीं, और अब दौलत हासिल करने के बाद मेरा हर पल जिंदगी और मौत के शिकंजे में फंसा हुआ है। ऐ मेरे हमदर्द हम ख्याल शाह जिन्नात, मैं तुझसे एक इल्तिजा करता हूं कि तू अपनी बेपनाह जिन्नाती ताकत से मेरी ये अमानत खजाना सुलेमानी को रेगिस्तानी मुल्क तक पहुंचा दे। पहुंचा सकता हूं ऐ परेशान हाल दरवेश, लेकिन ये खजाना सुलेमानी के कानून और उसूल के खिलाफ है कि एक तो बेशुमार दौलत मुफ्त में दो और फिर वही दौलत घर तक पहुंचाओ। बस यही बहुत है कि 21 साल के वजीफे के बाद मैं तेरे कब्जे में आ गया और मुझसे खजाना सुलेमानी तेरे कब्जे में आ गया। अब तू इस दौलत को जान और ये दौलत तुझे जाने। आइंदा मुझे मत बुलाना, बस मेरा काम खत्म हुआ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।